मनोज बाबू, सचिन बाबू एंड द वाइट चप्पल्स, ही कैरीज दीज थ्री थिंग्स विदाउट फेल. राम गेट्स हिमसेल्फ एंड अ ब्यूटीफुल गोल्डन पाउच फ्रॉम नायका. चाय पीने का बहुत उसको शौक है, तो इसका चाय कप कहीं ना कहीं ऊपर होता है. इनफैक्ट रचना कभी मेकअप रूम में हंस रही थी, आवाज यहाँ तक आती है. आई एम श्योर रचना को लगा कि मैं खड़ू उस टाइप का हूँ. राम हमारे सेट का सबसे गुड लुकिंग लौंडा है. Yes. जब चित्रा की शादी हो रही थी और फर्स्ट मीट हमारा ऐसा था कि हमारी बहन की शादी हो रही थी और वहाँ पे मैं आया था, वो पहला दिन था हमारा. पर्सनल राम का कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा, राम का नॉट एज अ कैरेक्टर? नो. अच्छा, नहीं तो मेरा तो बहुत अच्छा था यार. मतलब हमारे जैसे एक्टर्स को काम करने का मौका मिल जाए सीनियर एक्टर्स के साथ, तो और क्या चाहिए यार. मतलब अब मैं जब आ रहा था, मुझे पता था कि इकबाल सर है यहाँ पे, तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे थे, इनके इंटरव्यूज भी देखे थे, और मैंने भाई को बताया भी था, लाइक यू आर सो नेचुरल, आप कुछ भी बड़ा चढ़ा के बात नहीं करते. एंड देन आई रियली सेड दैट, आपको याद होगा शायद मैंने बोला था. थैंक यू राम. तो ये भाई की खासियत है कि वो जैसे हैं वैसे ही हैं, वो कुछ भी ना आर्टिफिशियल फेसेस नहीं रखते, तो जैसे हैं वैसे हैं, और ये इनकी बहुत अच्छी बात है. विधि, शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट. रचना, वो तो हंसती रहती है, कभी भी हमें ऐसा फील नहीं होता कि यार हम फैमिली नहीं है, हम फैमिली की तरह ही रहते हैं यहाँ पे. 10-12 घंटे ऐसे निकल जाते हैं हंसते खेलते हुए, और क्या चाहिए एक आर्टिस्ट को. सो फॉर मी आई एम वेरी हैप्पी. इनफैक्ट रचना कभी मेकअप रूम में हंस रही थी, आवाज़ यहाँ तक आती. मेरा पहला मीट, मैं सबसे पहले रचना को मिला था. हम एक लुक टेस्ट सा कर रहे थे, तो मॉक शूट कर रहे थे एक्चुअली. तो मॉक शूट कर रहे थे, तो मुझे तो रचना ने कुछ ज़्यादा बात नहीं की, मैंने भी कुछ ज़्यादा बात नहीं की. हाँ, तो आई एम श्योर रचना को लगा कि मैं खड़ू उस टाइप का हूँ. हाँ, बस रचना वॉज बेटर देन मी. तो या सो आफ्टर दैट नो वी स्टार्टेड वर्किंग एंड नाउ वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर. रायचंद हाउस होल्ड का जो हॉल है, वहाँ पर जब चित्रा की शादी हो रही थी, वहाँ पर मैं राम को पहली बार मिला था. और राम हमारे सेट का सबसे गुड लुकिंग लौंडा है. Yes. तो लड़कियां बहुत परेशान करती हैं इसको, और कुछ लड़के भी करते हैं. और लेकिन अभी राम इज इन अ वेरी गुड स्पेस. एंजॉयिंग माय लाइफ. या ही इज इन अ वेरी गुड स्पेस नाउ. सो आई रियली लाइक राम. आई एम रियली फाउंड ऑफ राम. ही इज वेरी गुड गाय. फर्स्ट वी मीट विद इकबाल सर, एज ही सेड वी वर डूइंग द मॉक शो, एंड दैट्स वेयर आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम. Obviously, I was nervous because he's the Iqbal Khan, तो वो थोड़ा हो जाता है कि, और ऊपर से उनकी इतनी भारी आवाज़ है. बट जो मुझे एक आपको लगता है कई बार ओवरव्यू होगा, वैसा कुछ नहीं था. ही वॉज सो डाउन टू अर्थ, ही वॉज सो नाइस, एंड ही वॉज अ जेंटलमैन दैट ही इज. बट इट वॉज रियली नाइस, एंड आई थिंक आई रिमेंबर द डॉग ऑन द टेबल वाला जोक, विच ही आई एम श्योर डजंट रिमेंबर. डू यू? Because they just told us to laugh and they wanted to click some pictures of us and laughing and giggling, and he's like, "Achal, I'll crack a joke, you laugh." I was like, "Okay," and he said, "There's a table and there's a dog on the table. Now laugh." And I think we laughed our heart out on that. So I will always remember that joke, which is not a joke but still made me laugh. And with Ram I met first time as usual. हम लोग का जो राय, आप लोग का जो अब हमारा भी हो रहा है, रायचंद हाउस, वो इनकी बीवी का है प्लीज़, के हॉल में हम मिले थे जब चित्रा की शादी हो रही थी. और इट वॉज़ रियली नाइस टू मीट एवरीबडी, बिकॉज एवरीबडी वॉज सो वार्म एंड सो वेलकमिंग. तो कहीं किसी में भी वो ये नहीं था कि हमारी फैमिली अलग और आपकी फैमिली अलग. बट हाँ, वो तो है. मतलब कम ऑन यार, अमीर है हम, गरीब शर्माज, हमारे तो छत भी नहीं है. तो खैर, बट इट वॉज रियली नाइस मीटिंग राम एज वेल, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं, मतलब जेल अब होंगे नहीं होंगे, बट आई प्रॉपरली रिमेंबर हम लोग वो हॉल में मिले थे एंड सबसे ऐसे इंट्रोडक्शन कराया था, ये 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 ये, एंड मैं ऑब्वियसली आई वॉज लुकिंग लाइक द कॉमन गर्ल, आई वॉज लाइक ये भी थे, ये भी थे. I will not forget that. You did that. See, he doesn't even remember that. See, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे या तो मैं ज़्यादा ही छोटी हूँ या तो मैं लग ही नहीं रही हूँ कि मैं विधि हूँ. Please, you did that. You're playing with me. So that's how I remember meeting all of them.
प्लीज़, ओ आई कैन नेवर फॉरगेट, आई कैन नेवर फॉरगेट द फर्स्ट मीट, इवन दीपिका मैम वाज लाइक दैट, शी हां ना मुझे भी लगा ही इज इन अ वेरी गुड स्पेस राइट नाउ, ही इज इन अ वेरी गुड स्पेस राइट नाउ। एक दूसरे के बारे में कौन सी तीन चीजें आज पिछले तीन दिन से, ये हेलमेट और एक मेरा चुन्नी है और ये मैं तीन कैरी करता हूँ। एक दूसरे को कैरी नहीं करते हम। हम कौन सी तीन चीजें, पर्सनल चीजें, आई हैव टू मेंशन योर थ्री थिंग्स मनोज भाई, एक सेकंड एल से मनोज भाव, सचिन भाव एंड द वाइट चप्पल्स, ही कैरीज दीज थ्री थिंग्स विदाउट फेल। राम गेट्स हिमसेल्फ एंड अ ब्यूटीफुल गोल्डन पाउच फ्रॉम नाइका, सिल्वर अभी बस दो आ जाएगा, अभी बाकी कोई और प्रिया 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 रचना कैरी क्या करती है? एक तो इसका पाउच है एक, और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें कुछ भी निकल जाता है। आपने वो देखी है जिम कैरी की पिक्चर, मास्क कैसे वो जेब में से निकालता रहता है, बजूका निकलता है, फिर ग्रेनेड निकलता है, फिर वो निकलता है, इसका इतना पाउच है उसमें से कुछ भी निकल सकता है। एक तो वो है, और दूसरा चाय पीने का बहुत इसको शौक है, तो इसका चाय कप कहीं ना कहीं वो पड़ा होता है। तीन चीज़ें ना, तीसरा फ़ोन, फ़ोन का।